Hey, what's up you boys and girls, we are back with another video, and in this video we are going to show you that we are playing duo showdown, and I am playing with my friend Mohit bhai. So let's see how the game happens, and there the match starts. तो गाइस आप लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में. तो गाइस आ जाओ, मैं और मोहित भाई खेलने वाले हैं डुओ शोडाउन, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे मैचेस हैं. वो आपको मैं दो मैचेस दिखाने वाला हूं, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉक करेंगे. जिस तरह से आपको टाइटल में दिखा ही होगा, तो उस तरह एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में. नहीं, कोरोना वायरस की वजह से जो एक मतलब ईगो हर्टिंग, जो मतलब दिल की भावनाओं से खिलवाड़ भाई साहब, मतलब समझ सकते हैं उस तरीके का एक फैला हुआ है ना, कि बोलते हैं भाई साहब तुमको कोरोना हुआ, ये हुआ है, कोई जरा सा भी छींक दिया तो भाई यार ऐसा मत बोला करो. मैं सबसे पहले इसी टॉपिक को कवर करता हूँ. तो गाइस इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मतलब कहानी नहीं सच्ची घटना है. मतलब मैं एक बार गया था स्कूल अपने कॉपी जमा करने, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थे गाइस, और उसके बाद मैं कॉपी सबमिशन के लिए वहाँ पर गया. और वहाँ पर जाने के बाद गाइस जहाँ पे बहुत सारे टीचर थे, एक मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं गाइस, वो टीचर कभी किसी को कुछ नहीं बोलते, बहुत अच्छे टीचर हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं. और कुछ टीचर्स ऐसे थे गाइस जो बोल रहे हैं, जैसे हम लोग घुस गए तो भाई साहब कमीन सर भी बोल के घुसे, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि भाई तुम कैसे घुस गए यहाँ पर, बोलने लगे. जो हमारे अच्छे सर थे जिन्होंने बुलाया था हमें कॉपी सबमिशन के लिए, वो भी कहते हैं कि सर आप, उनको बोलने लगे वो टीचर्स उन सर को कि सर आप क्यों बुलाते हैं इस तरह से, बच्चों को अंदर क्यों बुलाते हैं गाइस सर, मतलब आप ही कोरोना फैलाएंगे इस तरह से. तो ऐसे बोलने लगे गाइस, जो कि बहुत ही ख़राब लगा मुझे भी. और इस तरह हम लोग जैसे ही घुसे वहाँ से सीधे वो लोग निकालने लगे कि गाइस भागो भागो यहाँ से, ऐसे ऐसे बोलने लगे कि भागो तुम लोग यहाँ सर कोरोना बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे बोलने लगे गाइस, जो कि बहुत ख़राब लगा सुनने में गाइस. तो मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी मेरे टीचर्स वगैरह अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, टीचर्स कोई भी आदमी है, तो प्लीज़ किसी को अगर कोई ऐसा दिखे तो प्लीज़ सीधा उसको कोरोना ना बोले, क्योंकि कोरोना से जितना बीमारी नहीं होता ना, ईगो हर्ट मतलब ख़राब भी लोगों को लगता है आजकल. इसीलिए कोरोना वैसे भी आजकल उतना मात्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कम हो गया गाइस, लेकिन फिर भी आप इस तरह से ख़राब मत बोले गाइस, किसी को कोरोना डायरेक्ट मत बोल दे, क्योंकि इसे लोगों को दिल से बुरा लगता है गाइस. तो उम्मीद है मैं क्या कहना चाहता था वो आपको समझ में आ गया गाइस, और एक मैच भी कम्प्लीट हो गया, मैच का भी आपने मज़ा लिया होगा, देखा होगा. तो इसीलिए गाइस मैं कह देता हूँ कि कोरोना किसी को डायरेक्ट ना बोले, ये बहुत ख़राब लगता है गाइस सुनने में भी, और बुरा भी लगता है गाइस. और उसके बाद वहाँ हम लोग कॉपी सबमिशन किए और वहाँ से हम लोग फरार हो गए गाइस, एक सेकंड भी वहाँ रहने का मन नहीं कर रहा था. टीचर्स ऐसा कर रहे थे जैसे लग रहा था कि टीचर्स के पास ही, हमारे पास ही कोरोना है, टीचर्स तो बहुत अच्छा वेंटिलेटेड में रहते हैं. तो बस गाइस आप लोग मेरे दोस्त हैं, तो आप लोग से ये सब बातें मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगा और मैंने आज किसी को ये बात नहीं बताई है. तो चलिए गेम पे ध्यान देते हैं, एक गेम तो निकल गया. और यहाँ पे मैं और मोहित भाई एडगार के साथ, मोहित भाई हमेशा की तरह एक प्रो प्लेयर, और अगले वीडियो से मैं इंग्लिश में कमेंट्री करूँगा गाइस. ओके, देखिए गाइस एडगार का इस मैच में, इससे पहले वाले गेम में मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी गाइस कि भले आपके पास टैंकिंग ब्रॉलर है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि हर बार टैंकिंग ही करें. देखिए जैसे कि मैं यहाँ एबिलिटी लगा के पीछे भी भागा, तो पीछे भी भागना कभी कभार ज़रूरी है, क्योंकि गाइस सही तकनीक और सही चाल ही सब कुछ है गाइस. और टैंकिंग ब्रॉलर है तो इसका मतलब आप पीछे भी जाएं, हमेशा रश मत करें गाइस. जैसे देखिए यहाँ जैसी है, मैंने किया तो पीछे हटा. ओके गाइस यहाँ पे मैं बच गया इस जगह पे, उधर से मोहित भाई गए. और आपका टीममेट अगर मर जाता है तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्वाइव करने की कोशिश करें ज़्यादा. देखिए गाइस मैं यहाँ पे किस तरह से निकला, यहाँ इतने सारे सिचुएशन से देखिए, इस तरह से आपको टैंकिंग ब्रॉलर है फिर भी आपको भागना होगा, थोड़ा सा तो भागना ही होगा गाइस, क्योंकि आप ऐसे भी नहीं है कि आप डायरेक्ट उसके ऊपर जाके सबको मार दें. मतलब देखिए अगर वो दो बंदे हैं तो आप कैसे मार सकते हैं गाइस, और आपका टीममेट भी जिंदा नहीं है, इसलिए थोड़ा पीछे हटना ज़रूरी है गाइस. और यहाँ पे एडगार कार्ल को एक फटका, और मोहित भाई ओपी, मोहित भाई पैनी के साथ थे, तो गाइस इस मैच में और भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया. यहाँ पे गाइस कार्ल के साथ, कार्ल स्किन वाला कार्ल है भाई साहब, और ये कारल से बच गया मैं और मोहित भाई. भाई साहब देखिए 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 गाइस यहाँ पे क्या हुआ गाइस, मैं वहाँ पे रश किया, लेकिन अगर वो मेरे रेंज से दूर था तो मैं वहीं से निकल गया गाइस, क्योंकि मुझे पता है ये अटैक्स, मतलब जो हमारा अटैक होने वाला है वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला, इसलिए मैं पीछे भी हट गया. पीछे हटना भी बहादुरी चालाकी ही होती है गाइस, हर बार ऐसी बात नहीं कि पीछे हट गया तो बहुत ख़राब प्लेयर है. तो देखिए यहाँ एबिलिटी का यूज़ करके मैं वहाँ साइड हो गया गाइस, देखिए कितना सही मैंने इसका इस्तेमाल किया इस जगह पर. और यहाँ पे रोज़ा को ले लिया हमारे मोहित भाई ने, और यहाँ पे देखिए गाइस मेरा हेल्थ फुल हुआ. उसके बाद देखिए मोहित भाई यहाँ पे अपनी कुर्बानी दे दिए. उसके बाद देखिए उसके पास 14 पावर क्यूब्स थे गाइस, मैंने उसको किस तरह हैंडल किया,
और यहाँ पे देखिए भले मैंने उसको पहले मार दिया, उसके बाद उसका जो फायरिंग का बॉल वापस आता है उसने मुझे घूम के मारा, लेकिन हमारी टीम फर्स्ट आ गई गाइस, जो कि बहुत सही रहा। इसीलिए गाइस आप समझ गए होंगे मैंने क्या क्या कहने की कोशिश की और गेम प्लेस दिखाएं गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बाइबी के स्किन को करेंगे जो कि कैंट टूटी के द्वारा बनाया गया है, इसको परचेस करेंगे और इसका गेम प्ले दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए द क्लैशिंग केव, और एक लाइक तो जरूर कर ही दीजिएगा, नहीं करिएगा तो कोई बात नहीं।